क्या ईडी करेगी आम आदमी पार्टी फंड की जांच? आखिर शराब घोटाले के कितने हैं किरदार? आम आदमी पार्टी में घपले का आरोप किस किस पर है? मनी सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अभी 3 नेता जेल में और अब ईडी ने समन भेज दिया था केजरीवाल को और आज केजरीवाल को समन के दौर पर जाना था, लेकिन केजरीवाल समन को जो भेजा गया था ईडी की तरफ से उसमें नहीं गए। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं और तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब जेल में चले जाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे? ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि शराब घोटाले में कितने किरदार हैं? मतलब आम आदमी पार्टी में यूं तो तमाम नेता हैं, लेकिन कौन कौन ऐसे नेता हैं जो उस पर सम्मिलित हैं और गड़बड़ी क्या क्या है? आपको क्या लगता है कि इनमें क्या गड़बड़ी है जिस वजह से नेता जेल में और कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, गड़बड़ी की आपने बात कही, किरदार की आपने बात कही, लेकिन सबसे बड़ा जो किरदार है वो है अरविंद केजरीवाल, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल। इतने बड़े किरदार हैं कि उन्होंने ईडी की बात को नहीं माना, वो ईडी से दूर भाग गए, वो मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पहुंच गए। और आपने कहा क्या क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी तो आप देख लीजिए, 10 साल से लेकर अभी तक जो गड़बड़ी हुई है, 12 साल तक आप देख सकते हैं लगातार गड़बड़ी। अन्ना हजारे के आंदोलन से ये पार्टी जीवित हुई थी, लेकिन अब मरने के दौर पर चल रही है, आखिरी सांसें ले रही है। आप देखिए, मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज हो जाती है तब अरविंद केजरीवाल हंसते हंसते बयान देते रहे कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जो है बयान देते रहे कि अडानी के मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बयान देते रहे कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता को खुश किया, फ्री की रेवड़ी बांटी, इसका ये कारण है कि आज जो है भाजपा पार्टी डर गई है। तो किरदार यहां पर देखिए आप, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यहां पर देखें सतेंद्र जैन, इसके साथ आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ये नाम तो मैंने आपको मुख्य नाम बता दिए, लेकिन अंदर की हम बात करें तो दिनेश अरोड़ा जैसे नेता भी यहां पर छुपे हुए थे, विजय नागर की आप यहां पर बात कर लो, तमाम दोस्तों की बात कर लो। तो यहां पर यह तय करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर क्यों अपनी पार्टी को आगे रखने के साथ साथ धोखेधड़ी की। आप समझिए, 30 साल पुरानी पार्टी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बनी बता दीजिए अरविंद केजरीवाल, बता दीजिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को संजय, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो संयोजक हैं अखिलेश यादव, वो बता दें कि क्यों नहीं बना पाए। मुलायम सिंह यादव भी कोशिश करते रहे कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई, 30 साल पुरानी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस की आप बात कर लो, 25 साल पुरानी ये पार्टी है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। लेकिन ऐसा कौन सा घोल पी लिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, ऐसा कौन सा घोल पी लिया केजरीवाल ने कि इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी करके जो है 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना ली? तो आप समझिए, किरदार अनेक हैं और गड़बड़ी अनेक है। जी वाकई में देखिए, जैसे हमारे सहयोगी ने इस बात का जिक्र किया कि किरदार अनेक है लेकिन गलबड़ियां एक हैं, और आपको बता दें कि इसी में मेरा अच्छा जी देखिए, जिस तरह ऋतिक ने बताया कि गलबड़ियां भी अनेक है और किरदार भी अनेक है, ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अभी शराब घोटाले मामले में फंसी और लगातार पूरी पार्टी के फंसने की बातें कही जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपको बता दें प्रवक्ता का भी बयान आया था और वो भी इस बात का जाहिर तौर पर बोलते हुए नजर आया कि ईडी सीबीआई की जांच से डरते क्यों हैं, अगर इन्होंने घोटाला नहीं किया है तो साफ तौर पर सामने आया और केजरीवाल आके इस बात को बताएं। लेकिन मेरा सवाल ऋतिक जी आपसे एक और रहेगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन प्रचार करती है और प्रचार में इतना पैसा आता है, आखिर इनके पास फंड कहाँ से आता है? और फंड आता है, मेरा सवाल, फंड अगर आता है तो वो फंड का जो पैसा है वो क्या जनता का होता है, उसका सदुपयोग होता है या फिर दुरुपयोग? कि फंड की आपने बात कर दी, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं, राघव चड्ढा ने भी शादी की है वह भी जानते हैं कि फंड कहाँ से आता है। फंड तो अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि 45 करोड़ का जो भवन बनवा लिया उसका फंड कहाँ से आया, आपने 338 करोड़ का घोटाला कर दिया उसका फंड कहाँ से आया। अरविंद केजरीवाल को यह भी पता है कि आपने फ्री की रेवड़ी जो बांटी उसका फंड कहाँ से आता है। अरविंद केजरीवाल को यह भी पता है कि
कि जो फंड आपने शिक्षा में लगाया वो फंड कहाँ से आता है। अरविंद केजरीवाल को ये भी पता है कि पंजाब में जो चुनाव प्रचार किया उसका फंड कहाँ से आता है। विधायकों को कैसे जोड़ा, इस उदान गढ़वी को मुख्यमंत्री चेहरा आपने बनाया, क्या पैसा लिया था, ये भी शायद यहाँ पर पता है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए विधायक का टिकट दे रहे हैं पैसे देकर, तो फंड कहाँ से आया है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फंड की आप बात मत कीजिए, शराब पिलाकर दिल्ली की नगरी को शराब की नगरी बना दिया, राजधानी को शराब की नगरी बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि फंड कहाँ से आया। 338 करोड़ छोटी रकम नहीं है। 250 दिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया को हो गए जेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, जब ईडी का दूसरा समन जाएगा तो यहाँ पर तमाम नेता मिलकर दिवाली भी जो है तिहाड़ जेल में मनाएंगे, और दिवाली के साथ साथ जो है हवाली भी तिहाड़ जेल में करेंगे, क्योंकि फंड तो तिहाड़ जेल से कर कह तो रहे हैं कि तिहाड़ जेल में बैठ के जो है हम पार्टी चला लेंगे। तो क्या इनकी बकौती है कि ये वहां पर पार्टी चला लेंगे बैठ के? जी वाकई में देखिए, हमारे सहयोगी ऋतिक ने जिस तरीके से इस बात को जाहिर किया कि ये बोल रहे हैं कि हम जेल के अंदर भी फंड के द्वारा पार्टी चला लेंगे, जेल के अंदर बैठ के पार्टी चला लेंगे, तो क्या ये मुमकिन है? और ऐसे में दर्शकों एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेता फंसे हैं, आपको ऋतिक जी क्या लगता है कि इसमें कौन कौन से नेता सम्मिलित है, और क्या केजरीवाल अब जेल जाएंगे क्योंकि केजरीवाल को समन मिल चुका है ईडी का? देखिए आकाश जी, आप मोबाइल में पूरा पिटारा खोल कर आए हैं सवालों के, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स खोल रखी हैं, आपने जो है आंकड़े के यहाँ पर जो है पेश करने के लिए आपने सोच लिया कि पूरा ही पूछ लेंगे, तो मेरे पास भी एक पन्ना है, मेरे पास भी एक पेज है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सम्मिलित है, मैं भी आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों यहाँ पर विवाद हो रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ। देखिए इसी केस में 6 महीने पहले जो है पूछताछ हुई थी अरविंद केजरीवाल से, 9 घंटे पूछताछ, 56 सवाल पूछे गए, अरविंद केजरीवाल जो है नकारते रहे, सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया, दूसरा मौका लग गया, और तीसरा यहाँ पर फिर से मौका लगने वाला, क्योंकि अभी दूसरे मौके में पहुंचे नहीं है तो दूसरा सवाल पहुंच जाएगा। 22 मार्च 2021 की हम बात कर लें तो मनीष सिसोदिया को नई शराब नीति के लिए ऐलान किया था उन्होंने कि नई शराब नीति का जो है अब लागू हो जाएगी, और 17 नवंबर को शराब नीति लागू भी हो गई। तो इसमें पता आपको क्या हुआ आकाश जी, दर्शकों को बता दें 15,000 से लेकर यहां पर 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या घोटाला हुआ, कहां से पैसा आया। और आपको बता दें कि आपने कहा कौन कौन नाम शामिल है, सबसे पहले तेलंगाना चलते हैं तो उनकी बेटी जो थी किसकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो KCR हैं उनकी लड़की जो है कविता, उनसे जो पूछताछ की गई। इसके साथ साथ समीर जो महिंदू हैं उनसे पूछताछ की गई, विजय नायर से पूछताछ की गई, अभिषेक बोझपल्ली से जो है पूछताछ की गई, केजरीवाल से पूछताछ की गई थी फिर से बुला लिया गया है, सिसोदिया से पूछताछ की गई, राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है, कुलवंत सिंह का भी नाम सामने आया है, और दिनेश अरोड़ा की चर्चा तो आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर इतने सारे नेताओं का नाम सामने है, तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल कोई अलग खेत की मूली है, अरविंद केजरीवाल की भी यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, जेल के अंदर पहुंचेंगे, और उनको बताना पड़ेगा कि आपने 15,000 से लेके जो 20,000 करोड़ रुपए जो आपने कमाए शराब से वो कैसे कमाए, ये सोचने वाली बात है आकाश जी। वाकई में देखिए ऋतिक जी ने इस बात का भी बड़ा खुलासा किया कि ये नेता इसमें सम्मिलित हैं, और इतना बड़ा घोटाला ये सारे आम आदमी पार्टी के नेता मिलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर से सवाल वही उठते हैं कि आखिरकार घोटाले में कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन नेता रहे। और ऐसे में एक सवाल और उठता है, क्या शराब नीति में बदलाव किए गए, क्योंकि पहले शराब नीति पर फंसे कुछ नेता और अब फिर से शराब नीति में ही नेता फंस रहे हैं, आपको क्या लगता है जी कि शराब नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, पहले कुछ और बदलाव होते थे अब चुनाव के पहले कुछ और बदलाव? असली मास्टरमाइंड कौन है, असली मास्टरमाइंड है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। कल रात को मीटिंग करते हैं, भाई साहब पहले क्यों मीटिंग नहीं की, ईडी का समन कब भेज दिया गया था लेकिन जवाब कब दिया, आज सुबह। तो आपने जो सवाल किया है कि पहली और पुरानी जो शराब नीति थी, नई शराब नीति में क्या बदलाव हुआ, तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो पुरानी शराब नीति थी वहाँ 40% से 60% का एक जो आंकड़ा था उसके तहत जो है सरकारी और यहाँ पर प्राइवेट दुकानें खुली थी, लेकिन अब 100% जो है यहाँ पर प्राइवेट दुकानें खोल दी गई हैं शराब की दिल्ली के अंदर, और उनसे जो पैसा निकलता है, कारोबारियों से जो पैसा आता है उसका फंड सिसोदिया ने लिया है। और इसका खुलासा भी देखो इस पेपर में मैंने लिखा था, दिनेश अरोड़ा ने किया था, दिनेश अरोड़ा ने किया कि इस जो पैसा मनीष सिसोदिया को मिला इस पैसे को जो है सरकार चलाने में यूज किया गया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया। यहाँ पर आप देखिए DTC की जो बसें हैं फ्री चल रही हैं, जो है बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो कैसे मुमकिन नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, अन्य राज्य में आप चले जाइए, अन्य राज्यों में इतनी आपको फ्री की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो पैसा
कहाँ से आएगा? तो ये पैसा कहीं ना कहीं इसी शराब से जो है लिया गया। तो अब नई शराब नीति की आप जो बात कर रहे हो उसमें 100% प्राइवेट दुकानें जो है खुल चुकी हैं और उन्हीं से फंड अभी भी मिलता रहता है, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। आकाश जी, वाकई में देखिए जिस तरीके से इन्होंने इस बात का जाहिर किया, और वाकई में दिल्ली के अंदर DTC की बसें फ्री चल रही हैं, महिलाओं के लिए बस में किराया नहीं लगता, बिजली पानी फ्री देने की बात की जा रही है, और केजरीवाल सरकार इस बात का हवाला फिर दे रही अभी भी कि भले ही हमारी पार्टी जेल चली जाए, हमारे पार्टी के नेता जेल चले जाए, लेकिन दिल्ली वाले वासियों को, दिल्ली के निवासियों को फ्री बिजली पानी हम देते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल वही खड़े होते हैं, क्या इतना सब कुछ फ्री करने के बाद इनके पास पैसा आखिर आता कहाँ है? और फिर पैसा आता है तो शराब घोटाले की बात उठती है कि शराब घोटाले से पैसा आता है। ऐसे में ऋतिक जी मेरा सवाल एक और रहेगा कि आखिरकार कमीशनबाजी से इनका कैसे मुनाफा हो रहा है, कितना मुनाफा कर रहे हैं, और कथित तौर पर ये मुनाफा क्या जनता का पैसे से ही हो रहा है? देखिए लगभग अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो ये कहा गया कि 150 करोड़ रुपए का नुकसान तो भारत सरकार को हुआ, ये कहा गया, और जनता का तो जनता टैक्स भर रही है, जनता यहाँ पर रह रही है, तो कितना पैसा जनता के द्वारा दिया गया होगा आपको ये भी पता है। और कमीशनबाजी की यहाँ पर बात है तो शराब से कितना कमीशन मिलता है तो आपको पता है कि अगर एक कोई रेवड़ी पथरी वाला है या कोई व्यापारी है, छोटा व्यापारी है जिसकी अगर किराना की दुकान है, वो कितना कमाता होगा? लेकिन हम कहते हैं, सुनते हैं कि अगर कोई पेट्रोल पंप खोल ले, कोई शराब का ठेका खोल ले, तो इतना पैसा कमाता है कि एक महीने में करोड़ों रुपए वो कमा लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए का अगर हम लोग यहाँ पर मुनाफा की बात करें, अगर वहाँ पर हम 30 या 40% भी अगर हम लोगों को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को कितना फायदा हुआ होगा। अगर 30-40% भी मनीष सिसोदिया को मिला होगा तो आप ये समझिए कि 30-40% से उनने गोवा में प्रचार कर दिया, उनने गुजरात में प्रचार कर दिया, MCT में 15 साल से नहीं आए, 15 साल के बाद यहाँ पर जो है MCT में किस तरीके से प्रचार किया, कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात कही, इसके साथ पंजाब में सरकार बना ली, तो उस 30% अगर वो हिस्सा मिला होगा तो सिसोदिया ने कितना नुकसान जनता का कर दिया। और जनता की, महिलाओं की ये शिकायत है कि हमारे पति शराबी हो गए हैं, क्यों? क्योंकि आपने शराब फ्री में फैलाई, आपने एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री में दे दी, ये कैसे हो सकता है? एक बोतल के साथ आपने एक बोतल फ्री में दे दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पहले अपने आप को झांकना चाहिए, आईना देखना चाहिए और ये बताना चाहिए जनता को कि हमसे गलती हो गई, आपको बेवकूफ बना दिया गया। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया और बार बार इसी बात का हवाला देते आए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी शराब घोटाले में फंसी है, और इनका यह भी कहना हुआ कि आम आदमी पार्टी शराबी बना रही है दिल्ली की जनता को। और ऐसे में मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्या आने वाले समय में जिस तरह से ED CBI अरविंद केजरीवाल की पूरे नेताओं पर छापेमारी कर रही है, उनके तमाम नेता जेल में, और अरविंद केजरीवाल को भी ED का समन मिल गया, हालांकि वो ED के समन में गए नहीं पूछताछ में, और दूसरे समन जारी करने की बात भारतीय जनता पार्टी और ED कह रही है, तो ऐसे में क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ED का कहना है आने वाले समय में केजरीवाल की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी इनके पूरे नेता जेल में, और अगर ये भी जेल में जाते हैं तो पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, और करेगा भी तो पार्टी क्या चल पाएगी, या अब पार्टी का अंत आ चुका है? ये मान सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है ED CBI तमाम एजेंसियां आती, ED आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को अगर हिम्मत है, अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्होंने जो है गलती नहीं की है, शराब घोटाला नहीं हुआ है, जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, तो आप ED के सवालों का जवाब देते। आपको याद होगा, या तमाम नाम जो है आपको गिनवा सकता हूं मैं, नाम देखिए यहां पर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का नाम आपको याद होगा, अनिल देशमुख, इन्होंने ED ने इनको समन भेजा था, ये नहीं पहुंचे थे, फिर बाद में क्या हुआ? नवाब मलिक की आप बात कर लो, यहां पर संजय राउत की आप बात कर लो, ये ऐसे तमाम नेता रहे जिन्होंने ED के सवालों से बचने का कोशिश की, लेकिन ED लगातार समन भेजता रहा, अंत में ऐसा रहा कि इन तमाम नेताओं को जो है पहुंचना पड़ा, ED के सवालों का जवाब देना पड़ा, और क्या हुआ था, उनको जेल भी जाना पड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल भी यही गलती कर रहे हैं तो बहुत जल्द वो जेल जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी तय हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी वह है, तो ईमानदार पार्टी होने के नाते आपको ईमानदारी से ED के पास पहुंचना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, और जनता को बताना चाहिए कि हम ईमानदार पार्टी हैं, नहीं है तो आपकी तस्वीर आप देख रहे हैं सामने। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, और ऐसे में दर्शकों आपसे भी एक सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त है? क्योंकि ED ने जब उनको समन भेजा तो मिलने नहीं गए, और उनके नेता इस बात का हवाला देते हैं कि ED उनको किस बिना पर बुला रही है, किस हैसियत से बुला रही है पूछने के लिए, क्या मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रही है, क्या एक दोषी की हैसियत से बुला रही है? तो ऐसे तमाम जो जवाब है वो इस वक्त दे रहे आम आदमी पार्टी के नेता, और ED CBI ये पूरी तरह से बोल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी शराब घोटाले मामले में लिप्त है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो समन भेजा गया है उसके लिए पहुंचे नहीं, और दूसरे समन की बात कही जा रही है कि दूसरा समन भेजा जाएगा, और अगर दूसरा समन में वो नहीं जाते हैं तो क्या सचमुच वो अब जेल जाएंगे और आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी? आप अपनी जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए Next9 News Political Bite।